आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है हमें हर सुबह हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर से कुछ नया सीखते हैं, आप सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। और दोस्तों, आज मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा कोई प्रियजन बीमारी से जूझ रहा होता है तो ये समय अक्सर बड़ा भारी हमें लग सकता है, क्योंकि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। एब्सोल्युटली रिबेका, हम देखते हैं कि जब हमारे कोई करीबी, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे बच्चे हो जी, हमारा जोड़ीदार है या कोई रिश्तेदार है जी, अगर वो तकलीफ से जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का तनाव हमारे भी मन में होने लगता है और हम उनकी भी चिंता करते हैं, उनके भविष्य की भी चिंता हमें होने लगती है जी। तो ऐसे में हम कैसे संभले, इसी को आज हम करीब से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और गढ़ है, और मुसीबत के समय में हमेशा मौजूद रहने वाला वो हमारा सहायक है, एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो अभी अभी रिबेका ने हमारे लिए पढ़ा है। ये सत्य है और ये इसलिए परमेश्वर हमारी फिक्र करता है क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसका मोहब्बत, उसकी मोहब्बत सच्ची है। और दोस्तों, इसी को गीत में पिरोया गया है। सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च की क्वायर ये गीत हमारे लिए गा रही है, जिसके बोल है मोहब्बत खुदा की। आइए दोस्तों, इस गीत का आनंद ले और परमेश्वर के प्रेम से तृप्त हो जाए। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, बिना कांटों का था ताजी बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाओ मैं बदकार पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने सली पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था, खाई बड़ो बीमार की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाओ मैं बदकार पाओ शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पैरा, यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार, यीशु जलाल में आएगा। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, बिना कांटों का था ताज की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाओ मैं बदकार पाओ शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। थैंक यू वेरी मच सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च क्वायर इस गीत के लिए।
थैंक यू वेरी मच, वी आर ब्लेस्ड। और हमने जाना इस गीत के द्वारा कि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी ऐसा प्रेम अपने प्रियजनों को दिखाएं जो शायद आज किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका ध्यान करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन हम चिंता ना करें, क्योंकि वो है जो चिंता करता है। जो चिंता है वो हम परमेश्वर को सौंप दें। बिल्कुल दोस्तों, अगर इन गीतों से आप प्रभावित हुए हैं तो ऐसे कई सारे गीत हैं जो हमने CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर रखे हैं आपके लिए। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो गीत पसंद है उन्हें सुने और दूसरों से भी शेयर करें, ताकि इन गीतों को सुनकर, इन सच्चाइयों को सुनकर हम भी मजबूत हो जाएं। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि शायद आप इस समय परेशान हों, चिंतित हों, स्ट्रेस्ड आउट हों, क्योंकि आपके कोई प्रियजन हैं जो किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए इनोश और दिव्या कुमार की कहानी, जो आपको बहुत आशीषित करेगी। इनोश और दिव्या की दुनिया बिखर गई जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को एक बीमारी है और वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। उनका मानसिक स्वास्थ्य बिखरने लगा। आइए देखते हैं कि ऐसे समय में उन्होंने क्या किया, कैसे वो विश्वास में आगे बढ़े। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेंला। I had a baby boy और फिर मेरे को मेरे रूम में ले गए वापस एंड बेबी को डॉक्टर्स ले गए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए फॉर 2-3 आवर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बेबी को डॉक्टर लेके आएगा और हमें देगा और हम बेबी को लेके अपने घर चले जाएंगे, लेकिन दैट डिड नॉट हैपन। डॉक्टर आके हमें मुझे खाली यही बोल रहे हैं कि अब उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा और बेबी को चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जब डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि उसको एक हर्षप्रंग्स नाम की कोई बीमारी हो सकती है जो कि पूरी ज़िंदगी भी चल सकती है, 24 घंटे बाद जब उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा तो उन्हें देखा कि जॉनाथन का पेट अभी भी फूला हुआ था और बेटर नहीं हो रहा था। सो दे डिड एन एक्सरे, उन्होंने एक्सरे किया और देखा कि अंदर गैस भरी हुई है एंड ये चेक करने के लिए कि वो क्यों हो रहा है उन्होंने फिर दोबारा उस पर सर्जरी करी, विच वॉज 24 से 48 घंटे बाद पहली सर्जरी के। और उसके बाद उसका स्टोमा जो उन्होंने बनाया था जिससे वो अपने स्टूल्स पास करता था, उसको उसी सिचुएशन में, कंडीशन में लेकर हम घर आए और फिर वहाँ से हमारी वो जर्नी शुरू हुई ऑलमोस्ट 1.25 साल की, जहाँ हम हर एक घंटे में उसको साफ करते थे, हर आधा घंटा लगा के हम उसको पैक करते थे। इस दौरान कई बार दिमाग में विचार आते थे, थॉट्स आते थे कि सब क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, क्या ये मेरे पाप के कारण है, क्या ये जो हो रहा है क्या मेरी गलतियां हैं उसके कारण है, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घर कर रहे थे। जिस समय पर मुझे केवल परमेश्वर का वचन था जिसने एक साहस दिया, प्रभु यीशु से पूछा सवाल कि ये किस वजह से हुआ है, ये बच्चा जो ब्लाइंड पैदा हुआ है किस वजह से हुआ, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया। वो वचन ने मुझे बहुत साहस दिया कि ये इसके पाप या इसके माँ बाप के पाप की वजह से नहीं, ये इसलिए हुआ है ताकि प्रभु की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो सके। एक बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हमें डॉक्टर ने, जो हेड सर्जन थे हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर सकते हैं कि स्टोमा क्लोज करके देखें कि अगर जॉनाथन खुद से नॉर्मली स्टूल्स पास करता है। और हमने बोला कि हाँ ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। उसकी सर्जरी हुई, उन्होंने स्टोमा क्लोज कर दिया, पर 2 और 3 दिन बाद जब डॉक्टर्स ने बोला कि यू नो ये हमारे हाथ में नहीं है, हम दोबारा हो सकता है कि हमें इसको स्टोमा क्रिएट करना पड़े और आपको अपना बेबी ऐसे ही वापस लेके जाना पड़े और फिर हम कुछ टाइम बाद फिर दोबारा कोशिश करेंगे, तो उस मोमेंट पे मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे जॉनाथन को इस जगह से वापस नहीं लेके जाऊंगी। तो उस मोमेंट पे मैंने इनोश को कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो आप आओ जॉनाथन के साथ रुको। और जब वो आए तो मैं बाहर निकली और मैंने बाहर निकल के सिर्फ एक प्रेयर हेल्पलाइन पे कॉल किया, उन्होंने प्रार्थना करी मेरे लिए और उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर आप एज अ मदर अपने बेटे को चंगा देखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और मैंने उस वचन को थामा। अगले दिन सुबह जॉनाथन ने खुद स्टूल्स पास करे
वाटर प्रेशर के थ्रू, लेकिन उसने स्टूल्स पास करे और उस मोमेंट से फिर शाम में पास करे, फिर अगले दिन पास करे, और परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से वो बिल्कुल सही है अब, और हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अपने आप में पर्सनली यही लगता था एज अ पिता कि मुझे केवल अपना भाग करना है, जो शारीरिक भाग है उसको करना है और जो आत्मिक भाग है उसको पूरी तरीके से करते रहना है, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो कलीसिया में लोगों से मिलना हो और प्रार्थना हो और उसका वचन पढ़ना हो, ये सारी चीज़ें मुझे निरंतर करती रहनी है। और आई गेस मैं विश्वास करता हूँ कि केवल परमेश्वर के वचन ही था जिसने मुझे सामर्थ्य दी इन सब चीज़ों को करने के लिए। और इन सब चुनौतियों के दौरान और जब हम इन सब चीज़ों के द्वारा गुजर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ख्याल शैतान मन में लेके आता था कि क्या ये होगा, क्या परमेश्वर मेरी बात सुन रहा है, क्या वो जो सुन रहा है वो करेगा, जो मैं बोल रही हूँ क्या वो होगा या नहीं होगा। और उस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान आती थी और परमेश्वर के वचन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बताता था कि जितना हम उससे मांगने के लिए इच्छुक हैं उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बढ़कर हमारा परमेश्वर पिता हमें देने के लिए तैयार है। और मैं सिर्फ यही बता के ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेट मी टेल यू, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ सारी चीज़ें, सारी बातें संभव हैं। इनोश एंड दिव्या, आपके जीवन से हमने आज सीखा है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर का सहारा लेना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनोश हमारी एक नई जिंदगी टीम का हिस्सा रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप तक लाने में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है। और बहुत अच्छा लगा हमें आज कि हम इनोश के जीवन के बारे में जाने और कैसे परमेश्वर इनोश और दिव्या को आशीषित कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। यस दोस्तों, शायद आप भी ऐसी परिस्थिति में होंगे जहाँ आपके कोई प्रियजन हैं जो बड़े नाजुक हालात में हैं और आप भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। दोस्तों, शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि अपनी नज़रों को हम परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि हमारा मदद कहाँ से आता है, हमारा मदद उस सृष्टिकर्ता से आता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब हमारे प्रियजन मुश्किल में होते हैं और शायद कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता पर होता है और हम तनाव से गुजरते हैं, हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं। कई सारी कहानियां हैं शास्त्र में इसी को लेकर, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, वो है लूका 7 में। और इस कहानी की एक खास बात है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये कहानी है एक सूबेदार की, एक सेंचुरियन की, जिसका एक सेवक था, लेकिन वो सिर्फ सेवक ही नहीं था, शायद उसका बहुत ही करीबी सेवक था, वो उससे बहुत प्यार करता था। और अचानक से एक दिन इस सेवक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। यकीनन उसने दवा दारू सब किया होगा और पूरी कोशिश की होगी कि उसको ठीक करे, वैद्य को दिखाया होगा और जो भी इलाज करना था, लेकिन सब नाकाम हुआ। ऐसे में उसने यीशु के बारे में सुना और फिर वो कुछ दोस्तों को भेजता है यीशु के पास। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी लूका 7 में। लूक चैप्टर 7, लूका 7 और 7वें वचन से आगे पढ़ रहा हूं। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि वो आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को यह कर वो उसे करता है। यह सुनकर यीशु अचंबा हो गया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। क्या कमाल की कहानी है ना दोस्तों। यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने अपने विश्वास से अचंबा किया। और हम देखते हैं इस कहानी के अंत में एक चमत्कार भी है कि वो दास सिर्फ यीशु के कहने से चंगाई पाई उसने। दोस्तों, जब हम मुश्किल हालात में होते हैं, खासकर इस कहानी में जैसे इस सेंचुरियन का, इस सूबेदार का कोई करीबी
व्यक्ति बीमार था, ये हमारे लिए एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनके बिहाफ पर उनके लिए हम प्रार्थना करें, और देखिए यीशु मसीह भी प्रसन्न होंगे और वो जरूर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो चिंता मत करिए, अपने विश्वास को टगमगाने मत दीजिए, लेकिन अपनी नज़रों को यीशु मसीह की ओर लगाएं, प्रार्थना करें और देखिए आपकी प्रार्थना का जवाब जल्दी आएगा। जी दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे विश्वास से, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो प्रियजन हैं वो चंगाई पाते हैं। हमने देखा कैसे इनोश और दिव्या ने विश्वास से प्रार्थना की और उनका बेटा ठीक हो गया। सुबेदार ने विश्वास से प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा और उनका सेवक ठीक हो गया। हम भी विश्वास से प्रार्थना करें, चिंता ना करें, पर विश्वास से हम प्रार्थना करें। दोस्तों, आपके साथ मिलकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहेंगे आपके प्रियजनों के लिए। शायद कोई आपके परिवार में या आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जो शायद बीमार हैं या किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू स्टैंड विद यू इन प्रेयर। हमारा नंबर है 99-10-40-10-10। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके साथ साथ आपके प्रियजनों के लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हम जुड़ेंगे सोफिया के साथ और साथ ही साथ प्रदीप सैमुअल गुन्नर जी हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपके लिए और आपके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं तनाव के बारे में। ऐसा तनाव जो हमें मानसिक तौर पे अस्वस्थ कर देता है, और ये तब होता है जब हमारे कोई प्रियजन, कोई फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन किसी बीमारी से गुजर रहे हों और हम बहुत बेबस महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिससे वो ठीक हो जाएं। बिल्कुल रिबेका, लेकिन ये हमारे पास एक मौका भी है। हम शास्त्र में कई कहानियां पढ़ते हैं। मुझे उस कहानी वो कहानी याद आती है एक स्त्री की जिसकी बेटी बहुत पीड़ित है और वो घर पे है और वो आकर यीशु का द्वार खटखटाती है और यीशु उसे निराश नहीं करता, वो फिर से उस बेटी को भी चंगाई देता है। दोस्तों, क्या पता परमेश्वर ने आपको रखा है आपके प्रियजन के जीवन में ताकि आप दुआ करें, आप मध्यस्थी की प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा और आपके प्रियजन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी, इसलिए दोस्तों अपनी प्रार्थनाओं को आप हल्के में ना लें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर चंगाई लेकर आएगा। अब समय है कि हम ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में सोफिया और रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुन्नर जी के साथ हम जुड़े, जो खास इसी विषय पर आज प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज हम खास आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर प्रदीप सैमुअल गुन्नर, जो एक बाइबल प्रीचर और साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेंशंस में इवेंजलिस्ट भी हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। तो पास्टर, चलिए मिलकर हम प्रार्थना करें अपने उन दर्शकों के लिए जो बीमार हैं, या फिर उनके प्रियजन बीमार हैं, या फिर वो किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इस समय हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे ताकि आप शारीरिक रीति से स्वस्थ पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने प्रिय लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें आपके चरणों पर लाते हैं। जो अस्वस्थ हैं प्रभु,
उन्हें पूरी रीति से आप स्वस्थता दें और हो दीजिए पिता परमेश्वर कि अपने जीवन में आनंदित और शांति में रहते हुए अपने जीवन में तरक्की करते जाएं। हर एक के साथ होइए। जितने लोग प्रभु अगर शारीरिक रीति से अस्वस्थ हैं या उनके प्रियजन अस्वस्थ हैं या कोई जान पहचान में अस्वस्थ है, प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर अपना अनुग्रह करिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आप अभी अस्वस्थ हैं और प्रार्थना में किसी का साथ चाहते हैं, तो आप हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को कॉल कर सकते हैं और प्रार्थना में साथ पा सकते हैं। आवर नंबर इज 9910401010। पास्टर, चलिए अब हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि न केवल शारीरिक अस्वस्थता होती है लेकिन मानसिक रीति से भी हम बीमार पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस होने के कारण, बहुत पारिवारिक कोई समस्या होने के कारण, या हमारे और तमाम समस्याएं हमारे नौकरी में या हमारे बिजनेस में समस्या होने के कारण हम मानसिक रीति से बीमारी की तरफ बढ़ते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम मिलकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उन मानसिक तनाव से छुटकारा दे। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, बड़ा साफ शब्दों में रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय में वहाँ लिखा है, बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, तुम्हारे विचारों के बदल जाने से, तुम्हारे माइंड के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ तभी ठीक होगा जब हमारे मानसिक रूप से हम स्वस्थ पाए जाएंगे। तो क्यों नहीं हम सब मिल करके एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु की अगर हमारे विचार सही हैं, हमारा मस्तिष्क सही है, हमारा माइंड सही है, स्वस्थ है प्रभु, तो हमारा व्यवहार भी सही होगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि अगर किसी रीति से भी हम अस्वस्थ हैं मानसिक रीति से, तो प्रभु जी आप हमें पूरी रीति से स्वस्थ बनाएं और हो दीजिए कि प्रभु हम मानसिक रीति स्वस्थ रहते हुए प्रभु हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति सही पाया जाए। जितने लोग हमें देख रहे या सुन रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप उन पर अनुग्रह करें और पूरी रीति से उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, इस पूरे महीने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए। वी वर ब्लेस्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आप इस समय में काउंसलिंग की मदद भी ले सकते हैं। इन तीन आसान स्टेप्स में अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन cbn स्पेशल ऑफर्स। एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुनर जी। आप इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़े, आपने मेंटल हेल्थ को लेकर के अलग अलग विषयों पर हमें इंकरेज किया परमेश्वर के वचनों से, साथ ही आपने हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हमारे लिए प्रार्थना भी की। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके और आपके प्रियजनों के लिए दुआ करना चाहेंगे। जी दोस्तों, आप जरूर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े, हमें आपकी कॉल्स का, संपर्क का इंतजार रहेगा। अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समय होगा कि हम आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को पढ़ें और परमेश्वर का हम शुक्रिया करें। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वी'ल बी राइट बैक। क्या रोज किसी न किसी बात को लेकर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है? क्या आपका दिल पत्थर के तरह भारी हो जाता है ये सोचकर कि आपको फिर से दुनिया का सामना करना पड़ेगा? काम की टेंशन होगी, बच्चों की चिंता होगी। ऐसे समय में आप काउंसलिंग की मदद जरूर लें। इन तीन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन cbn स्पेशल ऑफर्स। एंड स्टेप 3,
बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में तनाव से गुजरते हैं क्योंकि हमारे प्रियजन किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे होते हैं। आज हमने जाना है कि हम चिंता ना करें पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ हम मांगें और परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और स्वर्ग से उसका जवाब यकीनन आएगा। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे एक व्यूअर है जो कह रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मैं सीबीएन टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके प्रोत्साहन भरे गवाहियों के लिए और गीतों के लिए जिसने मेरे विश्वास को बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके मैसेज के लिए, और हमें खुशी हुई है जानकर कि गीतों के द्वारा और संदेश के द्वारा और गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास बुलंद हुआ है। आप एक नई जिंदगी देखते रहें और आपका विश्वास प्रभु में और बढ़ता जाए। जी दोस्तों, पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, धन्यवाद आपके शो के लिए जो मुझे मेरे दैनिक जीवन में वचन के साथ जीने में मदद करता है। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में वचन के साथ जिए, तभी हम परमेश्वर के बताए मार्गों पर अपने जीवन को चला पाएंगे। सो डियर फ्रेंड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम आपको ऐसा करने में मदद कर रही है। दोस्तों, आपके मैसेजेस हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके पास भी कोई संदेश है हमारे लिए, कोई मैसेज है कि कोई प्रोग्राम ने आपको प्रोत्साहित किया है या तृप्त किया है, आशीषित किया है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बड़ा आसान है, हमारा नंबर है 9910401010। हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी उस नंबर पर कर सकते हैं। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5:16। कितना सामर्थी वचन है दोस्तों। ये वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना में सामर्थ है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, खासकर हमारे प्रिय जनों के लिए। ये वचन प्रोत्साहित करता है कि हम अपने प्रिय जनों के लिए, दूसरों के लिए दुआ करें और परमेश्वर जरूर हमारे दुआई को सुनेगा। जी हाँ दोस्तों, और हम वचन में पढ़ते हैं कि अगर राई के दाने के समान भी हमारा विश्वास हो तो जो बड़े बड़े पर्वत हम अपने जीवन में अपने आगे खड़े देखते हैं, अगर हम उन्हें हटने के लिए कहेंगे तो वो हट जाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जो प्रियजन है उनकी जो बीमारी है वो भी एक बड़े पर्वत के समान, इट्स लाइक अ बिग माउंटेन जो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो क्यों ना आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। यस दोस्तों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। हमें यकीन है हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि सोमवार को क्या होने वाला है। जरूर दोस्तों, मेंटल हेल्थ सीरीज में हम सोमवार को देखने वाले हैं कि कैसे जब कोई हमें ठुकराता है, कोई हमारा तिरस्कार करता है, तो इसका असर हमारी मानसिकता पर पड़ता है। ऐसे में हम कैसे अपने आप को संभालें। हमें यकीन है आप जुड़ेंगे हमारे साथ सोमवार सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। एक नई जिंदगी आपके लिए फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।